नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर जो है वॉइस ऑफ पानीपत पर आपको दिखा रहे हैं। ईपीएफओ विभाग के कमिश्नर अमित नैन को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, कमिश्नर गिरफ्तार हुए हैं पानीपत में 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। बड़ा घपलेबाजी वाला जो मामला था वो सामने आ रहा था और सीबीआई के पास बार बार शिकायतें भी पहुँच रही थी, जिसके चलते दो दिन पहले एक और लिखित में शिकायत पहुंची थी। और इसी को देखते हुए मद्देनज़र आज सीबीआई पानीपत में थी और रंगे हाथों 50,000 रुपये रिश्वत लेते कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, सोनीपत के रहने वाले अमित नैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर है ये ईपीएफओ विभाग में और सेक्टर 6 स्थित ऑफिस से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 6 घंटे तक लगातार ये कार्रवाई जो है चलती रही। 50,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, कमिश्नर को ले जाया जा रहा है और सीबीआई की कई गाड़ियां जो है मौके पर खड़ी हैं और यहां से लेकर चंडीगढ़ जाया जा रहा है। सीबीआई ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है इस मामले में, लेकिन इतना जरूर पता लग पाया है कि फंड निकालने की एवज में, लाखों रुपये का फंड था वो निकालने की एवज में पैसों की मांग की जा रही थी और 50,000 रुपये पहली किस्त जो है आज जानी थी। शिकायतकर्ता ने 50,000 रुपये दिए थे और इसी के चलते सीबीआई ने रंगे हाथों जो है रेड मार दी और रेड के चलते कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरों में सीबीआई जो है गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेकर जा रही है, लेकिन सीबीआई के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं कि लाखों रुपये का फंड जो है निकालना था और इसी के चलते रिश्वत की मांग की गई थी और आज पहली किस्त जो थी 50,000 रुपये पहली किस्त जो थी कमिश्नर को जानी थी, पहली किस्त में ही वो सीबीआई के शिकंजे में फंस गए। सीबीआई ने आखिरकार केस जो है रजिस्टर कर लिया है और इसी के बाद जो है गिरफ्तारी कर ली है। चंडीगढ़ में जाकर पूरे जो है बड़े अधिकारियों को पूरे इस मामले के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल पानीपत से चंडीगढ़ के लिए सीबीआई जो है रवाना हो चुकी है और कमिश्नर को अपने साथ लेकर जा रही है। तो लगातार 6 घंटे तक पानीपत के सेक्टर 6 स्थित ऑफिस में कार्रवाई चली है। ईपीएफओ अमित नैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुंह छुपाकर इन्हें गाड़ी में बैठाया गया है। सीबीआई का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सरकार का भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ा फैसला जो है बार बार सामने आ रहा था और इसी को लेकर कई अधिकारी जो हैं पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए थे और एक मामला जो है पानीपत में और सामने आया है। सेक्टर 6 से कमिश्नर अमित नैन को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी उपलब्धि सीबीआई के हाथ में लगी है, तो इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। पानीपत से बड़ी खबर और बड़ा मामला जो है हम वॉइस ऑफ पानीपत पर दिखा रहे हैं। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।